दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, तो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन चैलेंज चल रहा है तो भाई वीडियो तो डालनी ही है, तो थोड़ी सी लाइट्स को कम करके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने आप पहले ही आपको बताया था कि जो लोग पहले दिन से देख रहे हैं वो समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो उसकी वेलोसिटी को निर्धारित करेंगे। अब रिएक्शन ऐसे कॉपी पे तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि अगर तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें कितने लोग वेलोसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, तो कॉपी पे पता नहीं करा जा सकता है। तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि कौन प्रभाव डाल रहा है रिएक्शन पे, कौन प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक आदमी प्रभाव डाल रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो लोग डाल रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर है, तीन लोग डाल रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर है। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। लेकिन कुछ मेथड्स हैं, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें से एक मेथड है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। अब नाम ही इसका भैया ग्राफिकल मेथड है, तो सीधी सी बात है हम लोग कुछ ग्राफ बना के देखेंगे और उसे हम लोग कह देंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है भाई। किस तरीके का ग्राफ आएगा तो वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, यही हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। सुनो भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे यानी हम लोग प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे तो सबसे पहले स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हम आपको बता चुके हैं स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए प्रारंभिक मात्रा है भैया। जो भी चाय पत्ती पानी जो भी कुछ लेके आए थे, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आ रहा होगा, स्मॉल ए वो प्रारंभिक मात्रा है जो हम लोग लेके आए थे, एक्स वो मात्रा थी जो खर्च हो गई थी, तो बची कितनी थी ए माइनस एक्स मात्रा अपने पास बची हुई थी। इतना खर्चा होने में टाइम कितना लगा था, टी टाइम लगा था भाई। तो एक्सपेरिमेंट से ए की वैल्यू, ए माइनस एक्स की वैल्यू, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, इन सब की वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और इनकी सहायता से ग्राफ को प्लॉट करेंगे भाई, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने मतलब ग्राफ को खींचेंगे। कैसे खींचेंगे भाई, जरा देखो। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम आपको रिएक्शन प्रूव करके दिखा चुके हैं जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, इसीलिए हमने पहले वो कराया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जब हम लोग उन्हें प्रूव कर रहे थे भाई, तब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये निकाल के लाए थे, क्या इक्वेशन आई थी, लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस का के एक्स प्लस का लॉग ए आया था भाई, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, उसे हम इधर ले आए थे, ठीक है। उसके बाद लॉग एम माइनस लॉग एन लगाया था, लॉग एम अपॉन एन कर दिया था, पूरा प्रूव होके आया था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाता है। लेकिन जब उस डेरिवेशन को प्रूव कर रहे थे तो उससे तीन चार लाइनें आप ऊपर देखिएगा, जो लोग डेली पढ़ रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो आप तीन चार लाइनें ऊपर देखिएगा कि इस तरीके की एक इक्वेशन बनी थी भाई, ठीक है। इसकी तुलना हम लोग कर देंगे भैया बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए भाई, ठीक है। हमें एक ग्राफ प्लॉट करना, हमें एक रेखा चाहिए कि रेखा किस तरीके की आ रही है, तो उसी की इक्वेशन से हमने तुलना कर दी भाई। जब हमने तुलना करी तो बाई की जगह पे क्या, बाई की तुलना कर, बताओ बाई की जगह पे क्या लिखा हुआ, लॉग ए माइनस एक्स लिखा हुआ है। एम को क्या कहते हैं, एम को स्लोप कहा करते थे मेरे भाई। स्लोप का मतलब क्या होता था, ढाल होती थी यार, प्रवणता होती थी कि कितना ज्यादा झुका हुआ रेखा जो लाइन हम लोगों की आएगी वो कितनी ज्यादा झुकी हुई होगी। और सी का मतलब यहाँ पे होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे काटेगी, कितनी दूरी पे हम लोगों को काटना है, रेखा बनेगी कहाँ पे भाई, ठीक है। तो इसकी तुलना कर दी हमने बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, बाई का मान कितना आ गया, लॉग ए माइनस एक्स आ गया, एम का मान माइनस का के आ गया और सी का मान लॉग ए आ गया भाई, ठीक। एल एन इसलिए लिखा कि कोई नॉर्मल लॉग है भाई, ठीक। एम का मान माइनस के आ गया, इसका मतलब जो रेखा आएगी, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, माइनस में है, तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आएगी। कैसे आएगी आपको दिखाते हैं। तो यदि लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, देखो भैया ये इसके बाई के बीच में और टी के मतलब एक्स के बीच में, एक्स और बाई के बीच में ही ग्राफ खींचोगे भैया, जो एक्सिस बनाओगे आप, तो बाई की जगह पे क्या है, लॉग ए माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे क्या है, टी है। तो हम लोग ग्राफ किसके बीच खींचेंगे, लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचे, तब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी भाई, सीधी रेखा की वो इक्वेशन है भाई। लेकिन ऑब्जर्व किए जाने वाली रिएक्शन की जो फर्स्ट ऑर्डर है
अगर इस तरीके की लाइन मिलती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसी? अगर इस तरीके की लाइन मिलती है मेरे भाई, जरा देखो ऊपर से लाइन हम ला रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो माइनस में है भाई, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब कहां पे काटोगे, तो यहां से काटा है, इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, सी की जगह पे लॉग ए है तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, टी चल रहा है तो यहाँ पे टी लिख दिया। वाई की जगह पे क्या चल रहा है, लॉग ए माइनस एक्स चल रहा है तो a माइनस एक्स लिख दिया। यानी इस तरीके से हम लोग इन सब की वैल्यू निकालेंगे। जो एक इक्वेशन होती है सरल रेखा की, उससे हमने तुलना कर दी y बराबर mx प्लस c से, y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, दोनों के बीच में ग्राफ खींच दिया। इसका स्लोप माइनस में आ रहा है तो हमेशा रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अगर जब कभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी मेरे पास k की वैल्यू नहीं है, t की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब तो घड़ी होगी ना कि कितना टाइम लगा है, इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी मात्रा खर्च हुई है, कितनी बची हुई है, तो उससे भाई लाइन खींच के देखेंगे। अगर इस तरीके का ग्राफ आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक। तो इस तरीके से ग्राफ बना के आप पता कर सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। सर जी अगर फर्स्ट ना हुई तब तो लो भैया, अगर अब यहां पे लिख भी दिया स्लोप इसका माइनस के है, इंटरसेप्ट लॉग ए है भाई, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो आप देखना जहां पे डेरिवेशन प्रूव कराया है हमने आपको, सेकंड ऑर्डर के अंदर मेरे भाई 1/a - x = kt + 1/a था, 1/a को इधर ले आए थे, k की वैल्यू हल करके निकाली थी सेकंड ऑर्डर के लिए भाई, ठीक। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन होती, इसकी भी तुलना कर देंगे किससे, y = mx + c से। बताओ y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1/a - x लिखा हुआ है। बताओ x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब की जो स्लोप यानी m जो प्रवणता है वो भैया माइनस में नहीं प्लस में है, तो अब की लाइन ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इंटरसेप्ट कितना है, 1/a है, तो 1/a पे हम लोग इसे काट देंगे। ये देखो 1/a - x वर्सेस टी में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ये देखो बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें चलेंगी। बस अब की बाई की जगह पे क्या आ गया, 1/a - x आ गया, एक्स की जगह पे क्या आ गया, टी आ गया। अब की माइनस के नहीं है प्लस, तो ऊपर से लाइन नहीं आएगी बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। स्लोप इसका के हो गया, और जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं और इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करा जाता है भाई, ठीक। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सारे मान रखेंगे टी के, 1/a - k - 1/a - x सबको रख रखा के ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे, तो अगर इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाता है, सीधी लाइन मिल जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, तब हम लोग कह देंगे ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, समझ रहा हो। तो ग्राफिकल मेथड का मतलब यह है कि अगर इस तरीके के ग्राफ मिल रहे हैं तो हम ग्राफ देख के अंदाजा लगा देंगे। लोग कहते नहीं है कि बताओ लाओ भैया अपना ऐसा करो, जब जैसे बैंक का स्टेटमेंट लाओ अपने, तुमने अपना बैंक का स्टेटमेंट दिया, देखा पूरे साल भर 1 रुपया नहीं कमाया, समझ जाओगे ग्राफ देख के भिखारी आदमी है, और देखा 50 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन, मतलब मामला ठीक है भाई, बैंक भी तो यही करती है ना। यानी कुल मिला के ग्राफ देख के पता करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर बाई चांस जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है भैया, कुछ होता ही नहीं है। क्या नहीं होता सर जी, ये होता है लो k बराबर x/t होता है, ठीक है। तो अब की क्या है, x है और t है, तो x और t के बीच में ग्राफ खींच दिया, x और t के बीच में ग्राफ खींच दिया। यहाँ पे कुछ भी कटने पिटने वाला दिख ही नहीं रहा, इंटरसेप्ट प्लस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जीरो से लाइन खींचे, क्योंकि इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट था तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो भी दूरी थी वहाँ से काटते, इंटरसेप्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो भैया यहाँ जीरो से हम लोग लाइन खींचेंगे। तो अगर बिल्कुल ओरिजिन से, मूल बिंदु जिसे आप कहते हो, यहाँ से अगर ग्राफ स्टार्ट होता और सीधी लाइन बिल्कुल आपको मिल जाती है, तब हम लोग कह देंगे कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड की सहायता से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इंटीग्रल मेथड होता है, डिफरेंशियल मेथड होता है, कैसे ये क्लासेस आपको लग रहा है थोड़ा सा कमेंट करके बताओ। और आज लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, वरना ये तीनों मेथड हम एक में ही करा देते हैं। इसका इंटीग्रल तो नहीं, डिफरेंशियल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे कल आपको डिफरेंशियल मेथड करा के दें। डेली सुबह 11:45 पे सर जी आपको वीडियो दे रहे हैं, 30 दिन का चैलेंज है, तो 30 दिन तक वीडियो आपको देंगे। जिस दिन लाइट आइट कुछ नहीं आएगी, भले ही वॉइस ओवर बना के देना पड़े, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी 30 दिनों तक लगातार कंटिन्यू रहने की। और हमें ऐसा लगता है अगर 30 दिन हम लोग कंटिन्यू रह गए तो इधर की केमिस्ट्री लगभग की लगभग खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। और आज कोशिश है फिजिक्स का भी क्लास अपलोड करने की, जो अपना चैनल है BD KDN BSc, उस पर अपलोड करेंगे। सिलेबस एनालिसिस भले ही रात में 8 या 9 बजे अपलोड करना पड़े, तो बस सब्र रखिए, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए BD KDN BSc को। जो भी BSc से रिलेटेड जितने भी मेरे चैनल हैं, जो भी BSc से रिलेटेड कॉन्टेंट आएगा उसे वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। हम
मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बारिश किसके किसके तरफ हो रही है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं सारी चीजें एक जगह पर, यहां तक आ गए आप वाकई में सीरियस हैं, तो 351 रुपए आपके खर्च होंगे भाई, ठीक है। एप्लीकेशन पे कोर्स है पूरा, उसमें PDF है, नोट्स हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, प्लस ये जो नई वीडियो शूट कर रहे हैं ये भी उसमें अपलोड करके दे रहे हैं, तो आप वहां पर जाके कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।